अर्पिता मुखर्जी। जी हाँ, अर्पिता मुखर्जी, ये वो नाम है जो इन दिनों देश भर में सुर्खियों में है। 10 जून 1986 को कोलकाता के उत्तरी उपनगर बेलधोरिया में एक मिडिल क्लास बंगाली फैमिली में जन्मी अर्पिता को कॉलेज के दिनों से ही मॉडलिंग का शौक था। मॉडलिंग के दौरान ही उन्हें बांग्ला फिल्मों में काम करने का मौका मिला। अर्पिता ने वर्ष 2008 में फिल्म पार्टनर से बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया। वर्ष 2009 में वो बांग्ला सुपरस्टार प्रोसेनजीत चटर्जी के साथ फिल्म मामा भगने में नजर आई। बांग्ला फिल्मों के अलावा अर्पिता ने कुछ उड़िया फिल्मों में भी काम किया, हालांकि उन्हें छोटी भूमिकाओं वाले रोल ही मिले। बतौर एक्ट्रेस अर्पिता का फिल्मी करियर वर्ष 2008 से 2014 तक करीब 6 साल का रहा। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी अर्पिता के पिता सरकारी सेवा में कार्यरत थे, मगर उनका आकस्मिक निधन हो गया। इसके बाद वो नौकरी अर्पिता को ऑफर हुई, मगर अर्पिता ने ये नौकरी करने से मना कर दिया। अर्पिता की शादी झारग्राम के एक बिजनेसमैन से हुई, मगर शादी के कुछ समय बाद ही वो अपने पति से अलग हो गई और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए कोलकाता शिफ्ट हो गई। 36 वर्षीय अर्पिता करीब 6 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में रही। इसी दौरान उनकी मुलाकात पार्थ चटर्जी जैसी बड़ी राजनीतिक हस्ती से हुई। लग्जरी लाइफस्टाइल की शौकीन अर्पिता ने वर्ष 2014 के बाद बड़े पर्दे से किनारा कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वायर। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें।